अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड देखो, आज के इस टॉपिक में आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि आप लोग जो है ना अपने फेसबुक अकाउंट को किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। सो आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है। देखो गाइस, मैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। अब देखो, सबसे पहले आप लोगों ने अपनी आईडी को किसी भी ब्राउज़र में लॉगिन कर लेना होगा। मैंने अपनी आईडी को व्या ब्राउज़र में लॉगिन किया हुआ है। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, आप लोग अपनी आईडी को किसी भी ब्राउज़र में लॉगिन कर सकते हैं। अब देखो, आप लोगों को यहाँ पे थ्री लाइंस के साथ जो है ना ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। नीचे आपको यहाँ पे प्लस का ऑप्शन मिलेगा। इजीली आप लोगों ने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। टैब टू जो है ना आप लोगों का ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि आप लोग जो है ना अपनी आईडी को किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। उसके जो है ना यहाँ पे मैंने ये वाला आपको लिंक दिया था, बट ये वाला लिंक जो है ना एक्सपायर हो गया। सो आप लोगों को इस वीडियो में मैं न्यू और फ्रेश लिंक देने वाला हूँ। सो आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है। अब आप लोगों को ये लिंक कहाँ से मिलेगा, आप लोगों को मैं ये भी वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। आप लोगों ने इतना लिंक जो है ना कॉपी कर लेना होगा। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने अपने ब्राउज़र में आना है। यहाँ पे आने के बाद लिंक जो आप लोगों ने वहाँ से कॉपी किया होगा, इसको आप लोगों ने इजीली सर्च कर देना है। उसके बाद अब आप लोगों के सामने कंफर्म योर आइडेंटिटी ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब देखो, आप लोगों ने यहाँ पे थ्री लाइंस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप लोगों ने इसको यहाँ से डेस्कटॉप साइड कर देना है। अब इसको जैसे ही आप लोग डेस्कटॉप साइड करेंगे, ऊपर आप लोगों ने सर्च बार में आना है। यहाँ पर आप लोगों को लिखा होगा फ्री। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से आप लोगों ने फ्री को रिमूव कर देना है। आप लोग यहाँ पे WEB वैप भी कर सकते हैं, आप लोग WW ये वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वैप कर दिया। उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करना है। सो आप लोगों को यहाँ पे चूज़ फाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप लोग यहाँ पे अपना नेशनल आईडी कार्ड अपलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपना नेशनल आईडी कार्ड जो है ना अपलोड कर दिया। उसके बाद आप लोगों ने सबमिट करना होगा। अब देखो, यहाँ पे आप लोगों को रजिस्टर एज अ फेसबुक डेवलपर ये वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप लोगों ने इजीली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे साइड पे थ्री लाइंस का ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोगों को मैं जूम करके दिखा देता हूँ, सो आप लोग देख लें। आप लोगों ने यहाँ पे थ्री लाइंस पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, आप लोगों ने यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा। अब देखो, यहाँ पे आप लोगों ने कुछ चीज़ें जो है कन्फर्म करनी होगी। आपका जो ईमेल होगा वो कन्फर्म करना होगा, आपका जो नंबर होगा वो कन्फर्म करना होगा। कुछ जो है ना इनकी रिक्वायरमेंट होती है जिसको आप लोगों ने फॉलो करना होता है। अब देखो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों से यहाँ पे रजिस्टर के लिए वेरीफाई अकाउंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है ना ऑलवेज यू। सो आपके सामने कुछ इस तरह से जो है ना ऑप्शन आ जाएंगे। सो आप लोगों ने यहाँ से इसको कंटिन्यू करना है। उसके बाद जो अगर आप लोगों का ऐड नंबर होगा इसमें, सो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अगर आपका नंबर ऐड नहीं होगा तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एक नंबर ऐड कर देना और इसको जो है ना डन कर देना। उसके बाद आपका जो ईमेल ऐड होगा, सो आप लोगों ने यहाँ पे चेक लगाना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से कन्फर्म ईमेल को क्लिक कर देना। अब आपके सामने का यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, बट आप लोगों ने लास्ट में ऑर्डर का ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोगों ने इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से भी कंटिन्यू कर देना है। जस्ट आप लोगों ने इतना काम करना है। इतना काम करने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी देर आप लोगों ने वेट करना होगा। वेट करने के बाद आपके साथ ये वाला पेज ओपन होके आ जाएगा। अब देखो, यहाँ से आप लोगों ने इजीली बैक चले आना होगा। तो यहाँ से लेकर कहाँ तक आप लोगों ने बैक करना है, आप लोगों को यहाँ से मैं बता देता हूँ। देखो, अब यहाँ से भी आप लोगों ने इजीली इसको यहाँ से कट करना है और ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। बट आप लोगों ने यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद आपके साथ कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सो यहाँ पर हम थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। यहाँ पर जो है ना थोड़ी सी लोडिंग हो रही है, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब आप लोगों ने फिर से सर्च बार में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आप लोगों का जो यहाँ पे फ्री लिखा होगा, इसको आप लोगों ने रिमूव करना है। यहाँ पे आप लोगों ने WEB वेब कर देना है, ठीक है। ये करने के बाद आप लोगों ने इसको सर्च कर देना। अब आप लोगों ने यहाँ से फिर से अपना जो है ना नेशनल आईडी कार्ड, जो आपका शनाख्ती कार्ड होता है ना, वो अपलोड कर देना है, ठीक है। अपलोड करने के बाद अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन, सेंड का ऑप्शन मिल जाएगा। सो आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। सेंड पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, हमारी यहाँ पे लोडिंग होना स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा और वेट करना है। सो आप लोग देख सकते हैं, हमारा जो है ना आईडी कार्ड सक्सेसफुल जो है ना सबमिट हो चुका है। अब आप लोगों को यहाँ पे साइड पे डन ओके का ऑप्शन मिल जाएगा। सो आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, सो हमारी अपील सब कुछ सबमिट हो चुका है। अब आप लोगों ने यहाँ पे 1 से 2 मिनट वेट करना होगा। आपका जो अकाउंट है ना वो जस्ट नो पे वेरीफाई हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। सो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन मिल चुका है। सो आप लोग देख सकते हैं, जस्ट नो पे मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है। सो इसको मैं जैसे ही ओपन करूँगा, सो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, हमारा जो अकाउंट है ना वो सक्सेसफुली जो है ना वेरीफाई हो चुका है। सो आप लोग यहाँ से अकाउंट का नेम भी देख सकते हैं और ऊपर यहाँ से आप लोग ईमेल भी चेकआउट कर सकते हैं। सो आप लोगों को यही ईमेल जो है ना मैं अपनी आईडी में भी ऐड हुआ आपको
दिखा देता हूँ। सो यहाँ से मैं अपनी फेसबुक को ओपन करके भी आपको यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने फेसबुक जो है ना सर्च किया वही ब्राउज़र में, वेब ब्राउज़र में, यहाँ पे मैंने अपनी आईडी आरआईडी लॉगिन की हुई थी, तो इसको यहाँ से डेस्कटॉप साइट था, तो इसको मैं यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद अब आप लोगों को यहाँ पे मैं जाकर ना दिखा देता हूँ। देखो आप लोगों ने एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है, एडिट योर अबाउट इन्फॉर्मेशन में आप लोगों ने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। सो आप लोग जैसे ही यहाँ से नीचे आएंगे सो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये रहा मेरा ईमेल जो कि वहाँ पे ऐड था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।